हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए खूबसूरत सा जो है गॉम्फोर्ना है, और देखिए प्लांट जो है जब सीड्स बनने लग जाते हैं तो थोड़ा सा डैमेज होने लग जाता है। देखिए इसे सीड्स के जरिए बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा ये एक इस तरीके के फ्लावर्स ही था, उसी से मैंने इसे ग्रो किया और मेरे पास काफ़ी सीड्स इकट्ठे हो, अगर बात करूँ तो प्लांट्स भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और गॉम्फोर्ना की खूबसूरती देखते ही बनती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी जो लगती है, ये प्लांट का जो फ्लावर है लगभग 2 मंथ्स तक आपके प्लांट पर रह सकता है, यानी कि बिना मेरे पास इतने सारे फ्लावर प्लांट्स हैं और इतने सारे मैंने ग्रो होते हुए देखे हैं, बट इस तरीके की जो फ्लावरिंग मैंने नहीं देखी, कुछ भी नहीं होता। इसे कट फ्लावर के रूप में इसलिए इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए इसे बहुत सारे कलर्स में आता है, मेरे पास यही कलर है, और देखिए इसे सीड से बहुत आसानी से जो है आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने पॉट्स में ही काफ़ी सारे सीड्स का वीडियो मैंने डाला था किस तरीके से जो है कलेक्ट किए जाते हैं, बट देखिए कुछ सीड्स जब मैं काम करती हूँ तो अपने वहीं पर ही डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसके जो सीड्स होते हैं, यानी कि इसके सीड्स गेंदे का जैसे हम फ्लावर होता है उसको आपने देखा होगा कि उसको प्लांट्स सॉइल में डाल दीजिए, बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स जो है तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से गॉम्फोर्ना के भी सीड्स जो है तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊँ तो कितने सारे ये देखिए प्लांट्स मेरे जो हैं तैयार हो गए। ये देखिए इनकी सीडलिंग थोड़ी सी जब बड़ी हो जाएगी, अभी देखिए ये देखिए काफ़ी सारे, यानी कि इस तरीके से बहुत आसानी मैंने देखिए कुछ भी नहीं किया है, मेरे जो ये प्लांट्स हैं ये देखिए थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इस तरीके से। ये देखिए इस समय बारिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीड्स की, इतनी जल्दी जल्दी हो जाती हैं ये। ये देखिए इस तरीके से कितने सारे सीड्स, और मेरे और भी गमले में जो है बन गए हैं। और देखिए अगर मैं इनको देखिए अब सीडलिंग को जो है हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए देखिए सॉइल तैयार कर ली। इसके कोई स्पेशल ऐसा सॉइल की बात नहीं है कि आपको तैयार करनी है, वही मैंने 50% जो है, देखिए मैं तो इस तरीके से सॉइल कम यूज़ नहीं करती हूँ। ये कोकोपीट है मेरा, और उसमें मैंने थोड़ा सा नीम का केक का पाउडर और सरसों खली का पाउडर दोनों मिक्स कर दिया साथ में। इसमें डस्ट जो है अच्छे से मैंने इसके अंदर जो है डाली है, डस्ट का जो पाउडर, जो डस्ट जो हमारी रेत जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो मैंने इस्तेमाल किया। इसमें 25% और 25% के लगभग मैंने इसमें जो है कंपोस्ट डाल दिया है, ताकि बार बार स्टार्टिंग में ही हम इस तरीके से इसको डाल देते हैं। और ये देखिए मेरी सॉइल जो मैंने अपने जब मैं पॉट तैयार करती हूँ, तो जब देखिए मैंने एक्सोरा का प्लांट लगाया था उसी समय जो है मैंने अपनी 6 से 7 जो गमले एक साथ तैयार कर लेती हूँ, कि ताकि तब कभी भी मुझे अगर कोई भी प्लांट मुझे लगाना हो तो फिर मुझे टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से जो आप इसकी जो है सॉइल को तैयार कर लिए, अब कुछ प्लांट जो है मैं इसमें लगा दूँगी आज। ये देखिए मेरा ये पपीते का जो प्लांट मैंने लगाया था, और ये देखिए इसके पास ही मेरा वो पॉट रखा हुआ था, तो उसके जो फ्लावर्स हैं उसके सीड्स इसके अंदर गिर गए और देखिए ये इसके अंदर तैयार हो गए। और देखिए ये प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया और मुझे बिल्कुल इसे हटाना पड़ेगा, वरना मेरा जो पपीते का जो फ्रूट प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इसमें छोटी छोटी काफ़ी सारी जो है सीडलिंग लग गई, क्योंकि जैसे प्लांट उसके पास होता है तो उसमें से ये चला जाता है। तो देखिए इसको मैं आसानी से जो है अच्छे से खुरपी को थोड़ा अंदर लेकर जाकर इसे जो है बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से मैंने इस प्लांट को जो है अलग कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसके प्लांट, जब तो इससे थोड़ा छोटा भी हो तो आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें भी जैसे ये लगा हुआ है एक प्लांट, इसे भी मुझे अलग करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके देखिए थोड़ा सा एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आज इसे अब रिपोर्ट इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, तो इसे कुछ दिन सेमी शेड में रखें, और आज हम तो इसे अच्छे से एक बार वाटरिंग कर देंगे, उसके बाद कुछ दिनों तक इसे वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और इसका ड्रेनेज सिस्टम आप बहुत बेस्ट रखें पॉट का, वरना ये प्लांट आपका जो है गल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने अपने 2 प्लांट इसके अंदर लगा दिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये लग गए हैं, और बहुत अच्छी से, मैं अगर बात करूं तो मुझे तो ये बहुत पसंद है इसके मुझे दूसरे कलर के सीड्स मिले और प्लांट मिले, क्योंकि अगर आपके पास एक बार एक फ्लावर अगर इस तरीके से आपके पास आ गया तो आप ढेरों प्लांट्स जो है तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आसानी के साथ इस समय आप इसको ट्रांसप्लांट सीड्स के जरिए जो आप इसके ले आइए और आप इसे ग्रो कीजिए। बहुत किसी के यहाँ लगे हुए हैं तब भी आप इसे ला कर लगा सकते हैं। देखिए अब मेरे पास यहाँ कितने सारे सीड्स हैं, देखिए
इस तरीके से जो है आप सीड्स के जरिए से आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग के जरिए भी इसे ग्रो कर सकते हैं और सीड्स के जरिए भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो, कुछ टाइम के बाद देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप ग्रो कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।